तो अब समझो क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 15 शोधन आदिगण। बमन कारक व मदन आदिगण के द्रव्य बताइए। तो जो अपना पहला था बमन, जो जिनसे बमन होता है, जिनसे एमेटिक होता है, देखो यहाँ पे लिखा है मदन आदिगण। मदन फल मुख्य बमन कारक है, तो उसके नाम से भी आ गया, क्योंकि अपन ने देखो यहाँ पे देखा था मदन फल सर्वप्रथम लिखा था, तो ये मुख्य है तो इसके नाम से भी आ गया। तो बमन कारक है मदन आदिगण के द्रव्य बताइए। तो इसमें जितने भी हो, 5-6 आपको याद हो, 5, 6, 7, 8, 9 वो आपको लिखने हैं। गोमूत्र किस गण का द्रव्य है एवं उसके कर्म लिखिए, कि भाई किस द्रव्य का है। विरेचन वाले का ही तो आप मैंने बताया था उसमें, कि भाई विरेचन वाला है और उसके कर्म फंक्शन क्या है, विरेचन करवाता है। ठीक है, ऊर्ध्व जत्रगत रोगों में कौन से गण के द्रव्य प्रयोग होते हैं, उस गण का नाम लिखो। कौन सा है, शिरोविरेचन या नस? वातनाशक गण के द्रव्य लिखो। वातनाशक में जो भी मैंने बताया था 10 मूल वाला आया था वो। जीवनी गण के द्रव्य, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 10 के बताए थे, मेदा, महामेदा, रिश्वक, जीवंती, मुलेठी। ठीक है, वो 10 के 10 यहाँ पर लिखना है। कपनाशक के द्रव्य बताइए, जो 5-6 गण थे एक साथ उनको यहाँ पर लिखना है। वरुण आदि गण के द्रव्य, वरुण आदि गण के द्रव्य। अब वरुण आदि के देखो यहाँ पे कौन लिख रखा होगा मैंने, वरुण आदि गण ये रहा देखो, वरुण, शैर्यक, शतावरी, चित्रक, मुरवा, विल्व, मेष, श्रृंगी, छोटी बड़ी कटेरी, शोभाजन, हरित की और शिग्रु, ये वरुण आदि गण के द्रव्य हैं। और इसके जो वरुण आदि गण के काम क्या है, मैंने ये भी इंपॉर्टेंट बताया था, मेदनाशक, मंदाग्नि, उरुस्तम, शिरोशूल, गुल्म और विदर्धिनाशक, ये दोनों आपको याद करने हैं। अब देखो अगला है, सुरसा आदि गण के द्रवों के कर्म व नाम लिखो। सुरसा आदि, ठीक है, तो सुरसा आदि के क्या थे, ये रहा सुरसा आदि देखो, कृमि, जुखाम, अरुचि, श्वास, काश आदि, ये आपको याद होना चाहिए। शोधन कर्म हेतु उपयोगी द्रव बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, शोधन कर्म, तो शोधन कर्म में क्या क्या आता है, बमन, विरेचन, भस्ती और नस। ठीक है, तो आचार्य चरक ने तो क्या बताया था, बमन, विरेचन, बमन, विरेचन, भस्ती में तो थे अनुवासन और निरु और नस। तो यहाँ पे निरु की बात हुई है, तो मतलब शुरुआत के जो चार थे ना, बमन, विरेचन, निरु और शिरोविरेचन वाले, वो चारों को एक साथ पूछ लिया कि शोधन कर्म हेतु उपयोगी द्रव बताइए। हाँ बोलो, हेलो, अब देखो सर यही बोल रहा था, कुछ नहीं। शोधन कर्म हेतु उपयोगी द्रव बताइए, ये तो मैंने बता ही दिया। फरुस्का आदिगण के द्रव्य व कार्य लिखो। फरुस्का आदिगण के द्रव्य व कार्य, तो फरुस्का आदि द्रव्य के यहाँ पे देखो, फरुस्का आदि होगा एक, ये रहा गण के क्या, प्यास, मूत्र, जो वात्र, जो रोमांचक, इसका तो कर्म है, और इसके जो जीवनी है, पटोल, चुरसा आदि, वण आदि, मुस्त आदि, ये पर उसका अधिकरण, क्योंकि जो मैंने लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट ही लिखा है। फालसा, त्रिपला, द्राक्षा, मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, फालसा, त्रिपला, द्राक्षा, कायफल, निर्मली, खिरनी और डाडिम और सागौन। अब न्योग्र आदिगण के द्रव्य कर्म, ये मैंने इसको अच्छी तरह से बता दिया, ये तो आता ही है। मुस्का आदिगण के द्रव्य व कर्म लिखिए। तो ये एक क्वेश्चन और इसमें लिखना पड़ेगा मुझे, सारीवा, ये सुरसा तो लिख दिया मैं, लेकिन सारीवा वाला भूल गया, तो सारीवा वाला और लिख लो 13वां क्वेश्चन, कि सारीवा गण के द्रव्य और कर्म लिखो। ये 13 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से बस एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, नहीं तो आप कुछ कितना ही कोशिश कर लो शायद ही याद हो इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे कर्म, क्योंकि ये सेकेंड ईयर में ऑटोमेटिक याद होंगे। सेकेंड ईयर में एक साल मिलता है पूरा, और एक सब्जेक्ट है पूरी इसकी, तो वहाँ पर आसानी से याद कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और लिख सकते हो यहाँ पे 13वां, सारीवा आदि गण के द्रवों के कर्म व नाम लिखो। सुरसा का तो लिख दिया, लेकिन सारीवा का भी आता है क्वेश्चन, सारीवा आदि, मैं इसकी पीडीएफ भेज दी, लेकिन आप लिख लो यहाँ पे सारीवा के द्रव्य और कर्म, ये होगी मेडिसन एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से 15वां चैप्टर पूरा हो जाता है। आपको देखो किसी को याद नहीं होता तो माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन
रेयर आता है, आता है तो दो नंबर का आता है, लेकिन ये चिकित्सा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वैसे आप सेकंड ईयर में जब चिकित्सा मतलब थर्ड ईयर में चिकित्सा पढ़ोगे और सेकंड ईयर में चरक संहिता का और डीजी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये चैप्टर की वहाँ पे ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता है पूरा। आप माँ कसाई भी स्टडी करोगे तो, क्योंकि माँ कसाई इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा, इन 33 वर्गों से ज़्यादा 50 माँ कसाई इंपॉर्टेंट है चरक के, तो वही याद करते हैं सभी, तो इनको इसलिए कोई महत्व नहीं देते इनको। जो आचार्य भागवत ने 33 वर्ग बताए ना, इसलिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो ये क्वेश्चन जो मैंने 13 क्वेश्चन बताए उनसे बाहर नहीं जाएगा। आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में हो तो बेफिक्र रहिए। जो अपना आप मेन सिलेबस है यहाँ से स्टार्ट होगा पंचकर्मा। पंचकर्मा अपन पूरा बेस क्लियर कर रखा है अपन ने, वात पित्त कफ अपन ने अच्छी तरीके समझ रखा है, तो पंचकर्मा अपना चलेगा बिल्कुल फुल स्पीड में। कल से अपना 16वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पंचकर्मा स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से। पंचकर्मा होने के बाद में बस शल्य बचेगा, मतलब सर्जरी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं ना वो, और अपना बस मैं बता रहा हूँ अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कोर्स होने में, क्योंकि जो अपन ने बेसिक है फंडामेंटल है सब कुछ क्लियर कर लिया है, बस अब अपन को पढ़ना है, स्पीड अप बनेगी अपनी। 15 चैप्टर अपने हो गए तो ठीक है।